नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और आपके साथ मैं हूं दीप तारण। रांची हाई कोर्ट ने कल लालू यादव को जो उन पर 3 मुकदमे चल रहे थे उसमें से एक मुकदमा जो देवघर कोषागार का था उसमें बेल मिल गया है लालू यादव को। तो पटना के यादवों से हम बात करेंगे कि अगर लालू यादव को बाकी 2 मामलों में भी बेल मिल जाता है और वो छूट कर बाहर आते हैं तो इसका असर राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं सुनील यादव हुआ। लालू जी को कल बेल मिल गया है, कितनी खुशी है आपको? हम लोग तो बहुत खुशी हैं, यादव समाज में खुशी की लहर है और रणजीत पे इसका बहुत ही असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो भी मुंह चला रहे थे राजनीतिक पार्टी अब उनका मुंह बंद हो जाएगा कि लालू जी नहीं निकलेंगे और उनका असर खासा पड़ेगा सर राजनीति पे। लालू जी पर कुल 3 मुकदमे हैं, देवघर, दुमका और चाईबासा का जो निकासी का मामला था उसमें एक में बेल मिला है, तो क्या उम्मीद किया जाने वाले दिनों में उन्हें बाकी 2 मामलों में बेल मिल जाएगा? हाँ, हम लोग आशा करते हैं कि दोनों में बेल मिलेगा उनको और हम लोग साथ में मिलकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि दोनों में उनका बेल हो और वो निकल के बाहर आए और हम लोग गरीब गुरबों के लिए जो जिन्होंने काम किया 15 साल वो अभी करें और हम लोग तो बहुत खुश हैं। पार्टी में बिखराव की स्थिति है, राजद में कोई नेता अभी नहीं बन पा रहा है, तो लालू जी की कितनी कमी खल रही है राजद में? बहुत खल रही है, पूरी खल रही है, 100% खल रही है। उनके नहीं होने से बहुत तरह का बिखराव हो रहा है, अपने में अंतरकला चल रहा है, वो आ गए हैं तो अब सब सुधार हो जाएगा। हाँ। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू कुमार। राजू कुमार जी, लालू यादव को कल एक केस में बेल मिल गया है, सजा उनका आधा काट लिए हैं तो उस ग्राउंड पे उन्हें बेल मिला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, पूरे समाज में खुशी है। राजद पार्टी जो बिखर गया है वो लालू जी के आने से फिर ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। क्या उम्मीद किया जाए, बाकी 2 मामलों में उन्हें बेल मिल जाएगी? 100% मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि 2 लोग से हम बात किए, बहुत खुशी है इन लोगों के बीच। आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार। लालू जी को कल बेल मिल गया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या उम्मीद किया जाए? हम लोग लालू यादव को बेल मिलने से हम लोग खुशी हैं। हम लोग कल खीर तस्मय पूरी बनाए हैं खाकर। अच्छा, कल खीर पूरी खाए हैं आप लोग लालू यादव को बेल होने से? लालू यादव को बेल होने से खीर पूरी खा ली। हाँ। और वो जेल से बाहर आ जाएंगे तब हम लोग को बहुत और खुशी है। पार्टी का क्या होगा, राजनीति क्या होगा लालू यादव के बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद हम लोग को और खुशी होगी। खुशी होगा, चलिए ठीक है। तो खीर पूरी भी खा लिया गया है लालू यादव जब से जेल से छूटे हैं बाहर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश यादव हुआ। महेश यादव, ये बताइए चचा कि लालू जी को कल एक मामले में बेल मिल गया, ठीक है, बहुत खुशी की बात, सभी कोई के खुशी की बात है, एक एक गो में बेल मिला ने सभी आदमी की बहुत खुशी की बात है, समझ गया ना। लेकिन उनको आ गया के बाद में कोई दिक्कत चुनाव में, लेकिन वही मशीन से जो होगा दिक्कत होगा। अच्छा, ईवीएम की बात आप कर रहे हैं? हाँ, ईवीएम का। हाँ। तो लालू यादव बाहर आ जाएंगे जेल से तो फिर पार्टी का क्या, कुछ सुधार होगा पार्टी में? पार्टी में जो उम्र जब आ जाएंगे तो उस पार्टी में मिल जाएंगे तब सुधार होगा, ना तो किस पार्टी में मिल जाएंगे? तो बीजेपी में। बीजेपी में लालू जी मिलेंगे आपको लगता है? हमको तो अनुभव लग रहा है कि बीजेपी में मिल जाएंगे। हाँ, आपको काम मने कीजिए, मुझे मेरा कोई अनुमान नहीं है इस पर, आपको सब अनुमान है लेकिन हमको से खाली बुलवा रहे हैं खाली। नहीं नहीं, मुझे इसका सही में अनुमान नहीं है कि लालू यादव मिलेंगे कि नहीं बीजेपी से। चाय लिट्टी बेच रहे हैं जितना अनुमान लगा रहे हैं वो आपको अनुमान नहीं है, लेकिन हमको चाय लिट्टी आप बेच रहे हैं तो आप पब्लिक यहाँ पर सभी लोग के ओजा पर जुटाव रहता है, चाय पानी पीते हैं, लेकिन हवा पानी मिला है कि लालू जी उस पार्टी ने मिलेंगे। आप लोग खुश रहेंगे कि नहीं उनके मिल जाने से? हम तो खुश, अब तो पहले ही से रह रहे हैं कि देखिए सब कोई राम बिलास देखिए, नीतीश कुमार देखिए, कभी ये नहीं, कभी नेता के अभी मोछ ऐठले रह कि हमारा नियत अब कोई नहीं है। नहीं, जिसको जैसे चमकदार है, आपको अब चमक गिर गया तो उस पार्टी में जाना है। हाँ। समझ गया ना। अब आपको उस पार्टी में रह करके आपको अथी करना है, ये ना कीजिए विवाद कीजिएगा तो हम लोग का भी अथी होगा जा करके, लड़कन फड़कन पढ़ लिख के इसी भटक रहा है, हम लोग रोड पर इसी भटक रहे हैं जा करके, चाय लिट्टी बेच रहे हैं। कितना पुराना दुकान है आपका ये? यहाँ मेरा दुकान हो गया 35 बरस। 35 साल, मतलब लालू जी के राजनीति करने के पहले से? पहले ही से है, अभी तक बाल बच्चा के कुछ न हो न पाया, जो दुकान दौड़ी तोड़ ताड़ के इसी खाली देख ही रहे हैं बने की जे एक होता है कि हम बात बना रहे हैं। तो मतलब खुश हैं? तो खुश तो है ही, हम ऐसे उनका से बिगाड़ करके हम क्या करेंगे जा करके, वो में हम गरीब आदमी। चलिए ठीक है, तो लालू जी को बीजेपी से मिलवा रहे हैं ये। आपका क्या नाम हुआ? आनंद यादव। आनंद यादव जी, कल लालू जी को एक मामले में बेल मिली है। अच्छा, खुशी का बात है, तो जेल से बाहर आ जाए? हाँ, आप तो आना ही चाहिए, बहुत खुश है, सब कोई खुश है।
जेल से बाहर आने के बाद बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? अच्छा ही राजनीति पर असर पड़ेगा। राजद पार्टी जो बिखर गया है क्या फिर संभल पाएगा? हाँ एकदम संभल जाएगा। नेता कौन बनेगा लालू जी के आने के बाद? वो तो लालू जी ही आके तय करेंगे। परिवार में जो बिखराव है, जो भाइयों में कलह चल रही है, उसका क्या होगा? सब आएगा लालू जी तो सब ठीक कर देंगे, घर में सब ठीक कर देंगे। हाँ सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। चलिए ठीक है, तो लोग बहुत खुश हैं। लालू जी को बेल मिला कल, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में, छूट जाएंगे जेल से? हाँ छूट जाएंगे जेल से, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। बिहार का राजनीति पर से क्या असर पड़ेगा? बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? अर्जुन साहब जी नाम हुआ। लालू जी को कल एक मामले में बेल मिल गई है, रांची हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है, कितनी खुशी है इस बात? बहुत खुशी है सर। बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा अगर वो जेल से बाहर आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे जेल से तो राजनीति में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ महंगाई भी कम जाएगा, महंगाई बहुत ज्यादा पड़ रहा है समझे, इसलिए इनका आने से महंगाई कम जाएगा। तो गरीबों के लिए काम किए थे लालू? गरीब के लिए बहुत भलाई किए थे, इनका ऐसा अच्छा कोई नेता जी है ये नहीं है बिहार में। हाँ बिहार में। चलिए, तो तबीयत इनका खराब रहता है तो क्या जेल से आएंगे तो काम कर पाएंगे बाहर? जेल से आएंगे तो अगर बढ़िया से रहेंगे, हवा शुद्ध मिलेगा तो कहाँ नहीं रहेंगे, काम करेंगे। जेल में कोई भी रहेगा आदमी तो बीमारी रहेगा, बाहर आएगा तो टेंशन परिवार से रहता है तो खुशी खुशी के बाद रहता है, जनता से बतियाता है तो आदमी खुश रहता है, ये सब बात है ना, यही सब बात है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई, महंगाई कमाई करना कम करते हुए आते तो ये बात है। चलिए ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे कि अगर लालू जी जेल में तो टेंशन तो रहता है ना, ऐसे बाहर आ जाएंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, अपना मैनेजमेंट देखेंगे, परिवार देखेंगे, बिहार देखेंगे, जनता का सेवा करेंगे, राजा संभल जाएगा। बिल्कुल, चलिए राजद संभल जाएगा। तो इन लोगों का साफ कहना है कि राजद पार्टी संभल जाएगी। और कुछ लोगों से हम चलते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या प्रतिक्रिया है। दो लड़के हैं यहाँ पर, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम शरद चंद्र हुआ। शरद चंद्र, लालू यादव को कल एक मामले में बेल मिल गई है, संभावना है कि आने वाले दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे? यस सर। कितने खुश हैं आप? मैं तो खुश नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत घोटाले में सामने आया है, लेकिन मैं वो जो है वो बहुत घोटाला कर चुके हैं, घोटाला किए हैं पर कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, तो न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें बेल मिली है, तो मैं चाहूंगा कि ये तो नहीं देना चाहिए था और समय तक उनको जेल में रखना चाहिए था। चलिए आप खुश नहीं है, आपका नाम क्या है? बैजू कुमार। बैजू कुमार, लालू जी को जो कल बेल मिला है क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो तो अच्छा नहीं हुआ, उनको और सजा मिलना चाहिए, जितना फूल 6 साल का था ना, 6 साल ही मिलना चाहिए था। आधा सजा उन्होंने काट लिया है, उसी ग्राउंड पर उनको बेल दिया गया है, तो फिर सरकार की गलती है, कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, मतलब आप खुश नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सूरज यादव। लालू जी को कल एक मामले में बेल मिल गई है, देवघर कोसाघर निकासी मामले में उन्हें बेल मिल गई है, तो कितनी खुशी है? देखिए उनको बेल मिला है, हम लोग देश के जितना है गरीब पिछड़ा दलित अकलियत समाज के लोग सब इतना खुशी है, जितना जैसे हम लोग धान रोपते हैं जितना खुशी होता है पहला बरसात में, उससे भी ज़्यादा कल खुशी हुआ हम लोग को उनको बेल मिल गया, और आगे भी उनका जो दो मामला है हम लोग ईश्वर से खुदा से कामना करते हैं कि जल्दी उनको भी आगे भी दो मामलों में बेल मिले, ताकि जो अभी वर्तमान में बिहार की राजनीतिक समीकरण जो है भाजपा आरएसएस को कोई यदि हटा सकता है देश से तो अकेला लालू प्रसाद यादव ही है, हम लोग के सहयोग से उनका सहयोग करेंगे और जल्दी हम लोग के बीच में आ जाए। तो ये समय ही बताएगा कि लालू यादव को जो दो मामलों में उन पर केस चल रही है उस पर बेल मिलता है या नहीं मिलता है, पर जो यादव समाज है पटना का वो बहुत खुश है कल जो लालू यादव को बेल मिला है उस पर, तो हमें इंतजार है उस दिन का जब लालू यादव को बेल मिलता है, समय बताएगा उन्हें बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन राज तिलक के साथ, मैं उदीप तारण, हेडलाइंस बिहार पटना।